ऑल राइट एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड डिस्कस कर लिया है और रेगुलर फॉल्सी मेथड डिस्कस कर लिया, आइट्रेशन मेथड डिस्कस कर लिया है। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड भी, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जनरलाइज केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। डबल रूट कंडीशंस में जब मल्टीपल रूट्स हों उसके लिए क्या करें, फिर लास्ट हम लोग सीकेंट और ग्राफिक्स मेथड कन्वर्ट कर ये टॉपिक को खत्म कर देंगे, रूट्स निकालने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आज न्यूटन रैप्सन मेथड देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस मेथड से हम लोग अपने रूट को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। हर एक मेथड का अपना अपना एक यूनिक वे है रूट को अप्रोच करने का। तो इस मेथड्स के हम लोग देखेंगे थ्रू कि हम अपने रूट को कैसे जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन है दो इंटरवल पॉइंट्स के बीच में, a(f(a), इन दोनों रीजन्स पॉइंट्स के बीच में हम लोग अपने फंक्शन पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा रीजन कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास जो हमारा रूट है वो x1, 0 है। हम लोग करते क्या है, टेंजेंट्स हमारे जो कर्व है ए से बी पॉइंट के बीच में, उसमें टेंजेंट बना बनाकर हम अपने रूट की तरफ अप्रोच करते हैं। मान लीजिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई, तो वो किसी C1 पॉइंट में यहाँ जाके अप्रोच कर देगी। तो यहाँ पर x0, f(x0) पॉइंट हम लोगों ने टेंजेंट बनाई, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, यहाँ फिर से पॉइंट लेंगे, फिर से यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, फिर यहाँ से अगेन इस पॉइंट से ऊपर लेंगे, फिर टेंजेंट बनाएंगे। ऐसे कर करके हम लोग यूजिंग टेंजेंट्स हम लोग अपने रूट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग स्कीम ड्रॉ करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि y-y1 m(x-x1) से स्लोप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अपना लिख सकते हैं y-y1, यहाँ से f(x0) = f'(x0) कंसीडरिंग द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट f0 x-x0, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी। तो अभी टेंजेंट लाइन मान लीजिए ये x1 पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। x1, 0 इस पॉइंट पर लाई करी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको लाइन पॉइंट को इसको लाइन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा 0-f(x0) = f'(x0) x1-x0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा x1 = x0-f(x0) / f'(x0), ठीक है। तो इस चीज़ को देख कर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्कीम बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि x(n+1) = x(n-f(xn) / f'(xn), ठीक है। तो ये हमारी ये हो जाएगी हमारी स्कीम इसकी। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस मेथड से हम लोग हमें अपने रूट को निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं x³-2x-5 = 0, ठीक है। f(0) हम लोग फाइंड करते हैं कितना आएगा हमारे पास, ये भी नेगेटिव आ रहा है। f(1) निकालते हैं, 1-2-5, ये भी नेगेटिव ही आ रहा है। f(2) 8-4-5, ये भी नेगेटिव ही आ रहा है। f(3) हम लोग यहाँ निकालते हैं। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए इंटरवल ए से बीच में बी के बीच में हमारा रूट आ गया, तो x0 आप ए को ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से f(3) निकालेंगे तो 27-6-5, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 27-11 16 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, तो लोग कह सकते हैं 2 से 3 इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन लाया करेगा। और हम लोग अब यहाँ पर f(x) लिख लेते हैं। हमारे पास जो f(x) आया वो कितना आया हमारे पास, x³-2x-5 f'(x) हम लोग लिख लेते हैं 3x² - 2। हमारी स्कीम बन चुकी है x(n+1) = xn-f(xn) / f'(xn). अब यहाँ से x1 अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास आएगा x1 = x0-f(x0) / f'(x0), ठीक है। x0 = 2, तो यहाँ से 2 माइनस यहाँ पर f(x0) पर हमारे पास -1 वैल्यू आई थी, तो
यहाँ देख लेते हैं, 3 × 4 − 2, 4 × 3 = 12, यहाँ से 10 आ गया, तो 2 + 0.1, 2.1, ठीक है। फर्दर हम लोग यहाँ पर अगर सिमिलर मैनर में अप्रोच करते रहे तो हमारे पास x2 आ जाएगा, हमारे पास x1 − f(x1) अपॉन f′(x1)। सिमिलरली हम लोग अप्रोच करते रहेंगे, मान लीजिए x5, x3, x4 और x5 आइट्रेशन सेम आने लगे, मान लीजिए 3 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन में गिवेन है, तो x3 और x4 और x5 के 3 आइट्रेशन डेसिमल के बाद वाले सेम आ रहे हैं, तब लोग उसी वैल्यू को हमारा रूट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 7.312567599 आया, 7.312931312 आया, 7.312557 आया, तो हमारे पास रूट कितना हो जाएगा, 7.312, ठीक है। इस तरह से हम लोग न्यूटन रैपसन मेथड में हमारे रूट की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अब इसी साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं कि आप होमवर्क क्वेश्चन कौन कौन से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, x sin x + cos x = 0 हमारा पहला फंक्शन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, x = e^(-x), इंटरवल आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस पे मैं नहीं बताऊंगा, सभी में 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है sin x = x/2, चौथा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा (4e^-x) sin x = 1, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क, इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग न्यूटन रैपसन मेथड से अप्रोच करके देखिएगा और किसी और मेथड से भी अप्रोच करके देखिएगा, फिर चेक करिएगा किस मेथड से हमारा आंसर जल्दी आता है, ठीक है। ये बाकी मेथड सबसे फास्ट है, ठीक है। थैंक यू।